प्रदूषण के स्तर ने अब हालात को और भी बिगाड़ना शुरू कर दिया है। लोगों की आंखों में जलन की शिकायतें आ रही हैं, तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी है। अगर बात करें प्रदूषण की, तो इसके लिए जिम्मेदार कई चीजों को माना गया। एक तो पटाखे, दूसरी तरफ पराली। पराली जलाने वाले अगर ये सोच रहे हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, ये उनकी गलत फहमी है। क्योंकि भले ही अगल बगल कोई ना हो, भले ही सीसीटीवी कैमरे न लगे हों, लेकिन उन पर नजर रखने के लिए हमेशा तैयार है सैटेलाइट। जी हाँ, सैटेलाइट के जरिए फसलों के अवशेष को जलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारी दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक सैटेलाइट के जरिए नजर बनाए हैं और कार्रवाई भी हो रही है। हरियाणा के गोहाना में किसान पर 2,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस बार कृषि विभाग काफ़ी चौकन्ना है। इससे पहले ही हमने हर गांव में किसी न किसी अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी लगा दी गई है। पहले तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भी किसानों को जागरूक करें कि भी वो आग लगाए ना। अगर फिर भी कोई हमारा अगर कोई आपको किसान भाई आग लगाता है, तो एक आती है AFL एक्टिव फायर लोकेशन, उपग्रह के माध्यम से उसकी लोकेशन आ जाती है भाई इस खेत में आग लगी है। तो उसके माध्यम से अगर कोई ऐसा आता है, जैसे कि एक हमारा केस आया है मुंडला नंबर ब्लॉक में गांव श्यामड़ी बुरान में, तो उस किसान से बता के कि भाई आपके उसमें आग लगी थी, तो उस पर 2,500 रुपये का जो प्रावधान है वो हमने उससे ले लिया। दो ही प्रावधान है, या तो जुर्माना वो दे किसान, या फिर उसके FIR दर्ज करी जाए। जिस किसान के खेत में आग लगी हुई मिलेगी, उस किसान को नोटिस जारी किया जाएगा। पिछले साल भी कृषि विभाग ने फसल के अवशेष जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी और इस साल भी तैयार है। इलाके के करीब 12 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा चुकी है और किसानों पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है। NGT की तरफ से आदेश हैं, पहले भी थे, लास्ट ईयर भी थे, और NGT सख्त है इस मैटर पे पॉल्यूशन के ऊपर। तो इसमें जो स्टबल बर्निंग है, जिसके अंदर पराली जलाई जाती है, उस पर बिल्कुल रोक है। और किसानों से भी अपील है कि वो पराली ना जलाएं। इसके लिए हमने हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसका नोडल डिपार्टमेंट है जो इसको देख रहा है। इसके अलावा हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी भी नज़र है, हमारे पटवारी हैं, ग्राम सचिव हैं, वो भी लगातार हमें फीडबैक देते हैं। अगर पराली कोई जलाता है तो उसके खिलाफ चालान भी किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा और FIR भी लॉन्च की जाएगी। प्रदूषण से निपटने की तैयारी की जा रही है। कोशिशें हैं कि किसी भी सूरत में पराली को न जलने दिया जाए, और जले तो उस किसान पर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि जुर्माना रास्ता नहीं है। जरूरत है तो जागरूक होने की, क्योंकि हवा उन किसानों के लिए भी जहरीली है जो पराली जलाते हैं।